यदि आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं तो आपका डायबिटीज़ 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाएगा। ये नुस्खा आज जो मैं शेयर कर रही हूँ ये पहले दिन से ही वर्क करना स्टार्ट कर देती है और 3 दिन के अंदर अंदर आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल कर देती है, यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर देती है। डायबिटीज़ सिर्फ बीमारी नहीं है, ये एक बीमारियों का घर है जो कभी भी कहीं भी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं और पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के मरीजों यानी कि शुगर के मरीजों का आंकड़ा 40 करोड़ के पार हो चुका है। शुगर लेवल डायबिटीज यदि कंट्रोल में नहीं आती है तो इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, लंग इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा के रोग, आंखों की समस्या, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी इसे हल्के में ना लें, इस बीमारी को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि शुगर को कंट्रोल यदि आप नहीं करते हैं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इसे जल्दी से जल्दी आपको कंट्रोल कर लेना है और इसे कंट्रोल करने के लिए आज मैं बहुत ही आसान से उपाय लेके आई हूँ जिसका सिर्फ 3 से 4 दिन सेवन करने से आपका शुगर लेवल चाहे जितनी भी बढ़ी हुई हो वो आराम से कंट्रोल हो जाती है, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही पुराना नुस्खा है, आयुर्वेद में इसके बहुत सारे गुण हैं। इसके बहुत सारे गुणों के बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गुण है कि ये शुगर लेवल को बहुत ही आसानी से कंट्रोल करता है। चाहे आपकी शुगर जितनी भी बढ़ी हुई हो 3 से 4 दिन इसके लिए काफ़ी है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से आपको शुगर लेवल आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये कहाँ मिलेगी। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान, पंसारी की दुकान में, जहाँ जड़ी बूटी की दुकान होती है वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। तो सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिले। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिसे भी ये प्रॉब्लम हो उसे इससे हेल्प मिले। तो ये जो जड़ी बूटी मैं आपको आज दिखा रही हूँ ये है विजय सार। इसका नाम विजय सार है और ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में, जड़ी बूटी की दुकान में आसानी से मिल जाती है। जहाँ तक विजय सार के फायदे की बात की जाए तो ये एनीमिया से बचाता है, दस्त में मददगार होती है, फ्रैक्चर में लाभकारी होती है, पित्त और लीवर के कई रोगों में फायदेमंद होती है, सफ़ेद पानी की समस्या ठीक करती है, पीलिया में फायदेमंद होती है, यहाँ तक कि ये मोटापा को भी कंट्रोल में रखती है। साथ ही ये मधुमेह को तो बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर देती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है और चाहे आपकी शुगर जितनी भी भरी हुई हो 3 से 4 दिन इसके लिए काफ़ी है कि शुगर लेवल को ये कंट्रोल में ला देती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये कई बीमारियों को ठीक करने का काम करती है। तो चलिए जानते हैं कि इस नुस्खे का किस तरह से सेवन करना है, इसे किस तरह से तैयार करना है। 2 मिनट लगती है इसे बनाने में और ये बन के रेडी हो जाती है और आपको सिर्फ 3 दिन ही इसका सेवन करना है। 3 से 4 दिन आप इसका सेवन कीजिए, आपका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल हो जाएगा। चौथे दिन आप अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका नाम फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका नाम है विजय सार। विजय सार के पेड़ की छाल है ये और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसकी छाल भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसकी जो गोंद होती है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसकी सिर्फ हमें अभी छाल की जरूरत है। ये देखिए ये छाल मैंने यहाँ रखा हुआ है और आपको क्या करनी है कि 1 गिलास पानी लेना है, 100 मिलीलीटर पानी आप लीजिए और रात में इसे आप ये प्रोसेस को आपको करनी है तो आपको बस छोटी सी टुकड़ा, करीब 5-6 इंच का आप टुकड़ा ले लीजिए और ये लकड़ी यानी कि इसे छाल कहते हैं, विजय सार के पेड़ की छाल है ये, और इस छाल को आपको पानी में 1 गिलास पानी में डाल के रात भर के लिए छोड़ देना है। इसी तरह से आप देखेंगे सुबह तक में इस पानी का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, यानी कि ये रेड कलर की हो जाएगी। विजय सार के छाल की वो कलर अपने में वो छोड़ती है और वो जो है वही जो सुबह पानी बन के रेडी होती है वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। तो चलिए इसे देखते हैं सुबह। देखिए धीरे धीरे पानी का रंग भी कलर भी चेंज होने लगा है। अब मैं आपको इसे सुबह दिखाऊंगी कि ये किस तरह से तैयार है। तो चलिए फ्रेंड ये देखिए सुबह बनके ये रेडी हो चुकी है, ये पानी विजय सार के छाल के पानी। तो विजय सार के पेड़ की छाल की ये जो देखिए पानी मैंने रात भर इस छाल को इस पानी में डाल के रख दिया था, ये देखिए पानी का कलर पूरी तरह से लाल हो चुकी है और इसी पानी को आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। सुबह सुबह आपको खाली पेट पीना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। दूसरी वर्ड में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसे खाली पेट उस समय पीना है यानी कि जब आप नाश्ता करने का आधा घंटा पहले आपको इसे पी लेना है।
नाश्ता करने के आधा घंटा पहले, उसके इसे पीने के बाद आधा घंटा आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसका सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये पानी के साथ करने से ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसी तरह से आपको तीन दिन आपको बना के रात में फुला के रख देना है, सुबह तक में इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसी छाल को आपको रात में फिर आपको भिगो के रख देना है, सुबह तक में ये रेडी हो जाएगी, उसके बाद आप इसका सेवन करेंगे। तीन चार दिन आप कंटिन्यू कीजिए, चौथे दिन आप चेक करिए, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए। चाहे 300 हो, 400 हो, जितनी भी शुगर आपकी भरी हुई हो, आसानी से वो कंट्रोल कर देगा। तीन से चार दिन के अंदर अंदर आप चौथे दिन आप चेक करिएगा, आपका शुगर 100% कंट्रोल मिलेगा। आप ये नुस्खे को अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, बहुत ही आसानी से काम करती है, आयुर्वेदिक नुस्खा है, बहुत पुराना नुस्खा है। तो इस तरह से आप अपने शुगर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।